नमस्कार दोस्तों, वेलनेस का डॉट इन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो कि उन लोगों के लिए जो मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट उनको कोई आइडिया नहीं होता कि कौन सा स्टॉक खरीदा जाए, किस स्टॉक में इन्वेस्टिंग किया जाए, कितने टाइम के लिए किया जाए और कैसे किया जाए। तो उस चीज़ में वो कभी इन्वेस्टिंग कर ही नहीं पाते हैं। उनके पास पैसे भी होते हैं, इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं बट समझ में नहीं आता कि क्या मार्केट में खरीदें क्या नहीं खरीदें, कहीं गलत स्टॉक में फंस ना जाए, कहीं मार्केट गिर ना जाए। इन सारी बातों से वो कंफ्यूज रहते हैं और अल्टीमेटली मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली ये स्ट्रेटेजी जो है बिग इन्वेस्टर स्टॉक स्ट्रेटेजी, जिसमें कि कहीं ना कहीं वो लोग उन लोगों का नाम सुनते हैं जो बड़े लोग मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि राकेश झुंझुनवाला हो गया, विजय केडिया हो गया, आशीष कचौलिया हो गया, निमेश शाह हो गया या डॉली खन्ना हो गए। तो इन लोगों का नाम कहीं ना कहीं वो आर्टिकल में, टीवी में वो सुनते हैं और हो सकता है इनको फॉलो भी करते हो। तो इनको कैसे फॉलो करके वो अपना पोर्टफोलियो खुद का बना सकते हैं, इस स्ट्रेटेजी के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। दोस्तों शुरू करने से पहले आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं या हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें कि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी स्टॉक मार्केट के। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों मैं आ गया हूँ स्क्रीन पे जहाँ पे कि मैं आपको बताऊंगा कि इस स्ट्रेटेजी जिसका नाम है बिग इन्वेस्टर स्टॉक्स स्ट्रेटेजी, इसमें आपको बेसिकली क्या एडवांटेज मिलेगा और कैसे आप इसमें अच्छे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं अच्छे अच्छे स्टॉक में। दोस्तों बेसिकली मैं ये सिंपल सा स्ट्रेटेजी आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर का नाम सुनते हैं, समझते हैं उसके बारे में या जानते हैं आप, कि हो सकता है आप राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में जानते हैं, हो सकता है आप विजय केडिया जी के बारे में जानते हैं, हो सकता है आप डॉली खन्ना के पोर्टफोलियो के बारे में जानते हैं, तो उनका पोर्टफोलियो यूज़ करके आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से उनकी जो नॉलेज है उसका बेनिफिट आप खुद ले सकते हैं कि उनने जो रिसर्च करी है और जो मोटा पैसा लगाया हुआ है मार्केट में। बेसिकली वो स्टॉक यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा जिसमें कि उनका काफ़ी बड़ा पैसा लगा हुआ है, जस्ट लाइक अ 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, इवन मोर देन 1000 करोड़। तो जब वो इतना बड़ा पैसा किसी कंपनी में लगा रहे हैं तो उन्होंने उस कंपनी में पैसे लगाने से पहले उसकी काफ़ी अच्छी रिसर्च करी होगी, काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स उन्होंने समझे होंगे, काफ़ी अच्छा फ्यूचर अर्निंग प्रिडिक्शन करी होंगी, तभी जाके वो इतना बड़ा पैसा लगा रहे हैं। नहीं तो वो 10-20 करोड़ भी लगा सकते थे और सोच सकते थे कि चलो चल गई चल गई, नहीं चली तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पे बड़े लोगों के बड़े स्टॉक्स के बारे में बात करूँगा कि अगर आप किसी का पोर्टफोलियो स्कैन कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उस बंदे ने अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा अमाउंट उस पर्टिकुलर कंपनी में लगा रखा है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी में आपको कैसे एंट्री करनी है और कैसे एग्जिट करना है, यानी आप एक दूसरे पर्सन की नॉलेज का यूज़ करके आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं और गेन ले रहे हैं। दोस्तों नॉर्मल लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है वो ये प्रॉब्लम होती है कि उनको फंडामेंटल समझ में नहीं आते। 80% लोग ऐसे निकलते हैं जो इन्वेस्टिंग करना मार्केट में पसंद करते हैं, पैसा लगाना भी चाहते हैं बट उनको फंडामेंटली कोई आइडिया नहीं होता कंपनी का कि वो कैसे फंडामेंटल पढ़े हैं, क्या बैलेंस शीट का रोल है, क्योंकि बैलेंस शीट में तो नंबर वो होते हैं जो पिछले आए हैं, आगे क्या होगा वो चीज़ वो कैसे प्रिडिक्ट कर सके। तो उन लोगों का साथ रहिए जो मार्केट में ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आगे आके ये कंपनी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हैं इसीलिए वो प्रिडिक्ट कर पाते हैं और बड़ा पैसा लगाते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये कंपनी अच्छा कर सकती है। वो समझते हैं, वो ऑल ओवर वर्ल्ड पे नज़र रखते हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है, उस तरीके से अपना एक बड़ा पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं और अल्टीमेटली वो उस स्टॉक को होल्ड करते हैं 4 से 5 साल, 10 साल, और फिर उसमें उनको काफ़ी अच्छा गेन भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 10 साल रखा और स्टॉक डबल हुआ या ट्रिपल हुआ, स्टॉक 1000 टाइम्स, 2000 टाइम्स, 500 टाइम्स ऐसा रिटर्न देता है। तो आपको सिर्फ उनको फॉलो करना है
स्कैन करना है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के जो पोर्टफोलियो है उनमें देखना है कि कितना बड़ा पैसा किस स्टॉक में लगा है। अब मैं यहाँ पे उस स्ट्रेटेजी का पूरा आपको डिटेल बताऊंगा जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो पहला प्रिंसिपल तो यही है कि आप जिसको फॉलो करते हैं उसके स्टॉक स्कैन करिए और देखिए कि वहाँ पे उसने कितना बड़ा पैसा किस स्टॉक में लगा रखा है, फिर उसको इस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे खरीदिए और होल्ड करिए अपने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा। तो पहले मैं जो इस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है आशी इंडिया ग्लास, जो कि एक ग्लास बनाने वाली कंपनी है। मुझे सिर्फ इतना पता है, इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता कि वो किस टाइप के ग्लास बनाती है, वो गाड़ियों के बनाती है, किसके बनाती है, क्योंकि मैं भी आप सभी लोगों का, आपके सभी लोगों की तरह मैं भी एक नॉर्मली पर्सन हूँ। मुझे इतना फ्यूचर प्रिडिक्शन आती नहीं है और सारी कंपनियों को मैं ढूंढ भी नहीं सकता। तो आशी इंडिया ग्लास के बारे में वैसे मैं तो जानता हूँ, लेकिन एक बेसिक जो कंसेप्ट होता है कि एक बंदा जब नाम सुनेगा आशी इंडिया ग्लास तो क्या समझता है उस कंपनी के बारे में, उसके हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आशी इंडिया ग्लास ग्लास बनाती है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, जो कि गाड़ियों में भी यूज़ होते हैं और जगह जगहों में बिल्डिंग्स में भी यूज़ होते हैं। तो अब इस बड़े स्टॉक में ये जो मिड कैप कंपनी है इसमें जो निमेश शाह हैं, जो कि कोटक AMC के MD हैं, उन्होंने करीब करीब 500 यानी 560 करोड़ इन्वेस्ट कर रखा है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो 563 है, और एक और जो स्टॉक है लक्ष्मी मशीन वर्क, उसमें भी करीब करीब इतना ही है। लेकिन इसके बाद जितने भी स्टॉक देखोगे आप यहाँ पे उनकी सब में कोई भी इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से ऊपर की नहीं है, सिर्फ 80 करोड़ से एलगी में और हाईटेक गियर में 75 है। तो इसका मतलब क्या है कि वो इन दोनों कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं और इनके फंडामेंटल उनको काफ़ी अच्छी तरीके से पता है कि आगे आने वाले दिनों में ये कंपनियां कितना अच्छा कर सकती हैं। अगर आप इनकी होल्डिंग देखेंगे कि उन्होंने कब से स्टॉक को खरीद रखा है, तो ऐसे देख सकते हैं कि दिसंबर 2015 से उन्होंने खरीद रखा है और सितंबर 2017 चल रहा है अभी, और अभी भी उनके पास होल्डिंग है। तो 2 साल मोटा मोटा उनको हुआ है। तो 2 साल के बेसिस पे आशी इंडिया ग्लास पे हम अपनी स्ट्रेटेजी लगा के देखेंगे और क्या इसको बेनिफिट मिलेगा अगर आप इस स्टॉक को स्कैन करते हो उनके पोर्टफोलियो में और इन्वेस्ट करते हैं इस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे। तो दोस्तों बेसिकली ये डे का चार्ट है, इसको आप वीकली में लगा लेंगे, ये वीकली चार्ट है। अब मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा सिंपल सा इंडिकेटर लगाने के लिए बोल रहा हूँ, और वही आपको लगाना है, इसके अलावा कोई आपको कुछ नहीं लगाना, जो कि सुपर ट्रेंड है और मेरा फेवरेट है। इसमें पीरियड जो है वो 7 डेज का है और मल्टीप्लायर 3 का है, यानी 7 हफ्तों का ये लेके चलेगा बस। अब यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्या देखना है, आपको कंसेप्ट ये देखना है कि जो सुपर ट्रेंड है वो लाइन आपका स्टॉप लॉस है। जिस दिन ये सुपर ट्रेंड नीचे कट जाए आप उस दिन स्टॉक में अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी हो आपको बुक करके निकल जाना, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि आप एक नॉर्मल पर्सन हो, आपको नहीं पता कि फ्यूचर क्या है कंपनी का। हो सकता है कि जिस बंदे ने इतना बड़ा पैसा लगाया उसने प्रिडिक्ट किया है, उसने देख नहीं लिया फ्यूचर। अगर वो भगवान होता तो 500 करोड़ नहीं 5,000 करोड़ लगाता या 10,000 करोड़ लगाता। उसने देखा है कंपनी अच्छा कर सकती है, उसके बेसिस पे उसने पैसा लगाया है। हो सकता है वो गलत भी हो सकता है, तो कहीं आप उसके साथ खुद ट्रैप ना हो जाओ। तो इसलिए स्टॉप लॉस भी बहुत ज़रूरी है। तो जो स्टॉप लॉस है वो यही है कि सुपर ट्रेंड जब आपको सेल सिग्नल दे दे उस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो आप वहाँ से निकल जाइए। अब एक जो बड़ा इन्वेस्टर होता है वो कम से कम स्टॉक को 3 से 4 गुना होने के लिए खरीदता है, और उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 से 6 साल का रखता है, कि 5 साल में स्टॉक कम से कम 5 गुना हो जाए या 4 गुना हो जाए, इतना वो मिनिमम क्राइटेरिया रखता है। तो उन्होंने दिसंबर 2015 से ख़रीदा है, करीब करीब 150 का प्राइस था, और आज का जो प्राइस है वो करीब करीब 386 का है, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी स्टॉक डबल से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। तो जिन लोगों को इन्वेस्ट करना है तो वो इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अभी ये बिल्कुल राइट टाइम है आशी इंडिया ग्लास में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि सितंबर से लेके ये अभी तक ये कंसोलिडेट कर रहा है 400 और 350 के बीच में। जिस दिन ये ब्रेकआउट देगा उस दिन ये स्टॉक 400 800 पे जाके रुकेगा सीधा सीधा, क्योंकि उनका टाइम, उन्होंने दिसंबर में खरीदा,
2015 दिसंबर में खरीदा है, 16 निकल गया, 17 निकल गया, 2 साल हो गए, अभी 3 साल और है। तो 3 साल में ये स्टॉक का जो नॉर्मल टारगेट होगा वो 1500-1600 रुपये होगा, हो सकता है ये वहाँ तक पहुँच जाए। तो जिन लोगों को इन्वेस्ट करना है वो इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 500 करोड़ रुपये लगाए हैं और इतने बड़े आदमी ने इतना बड़ा पैसा कुछ ना कुछ सोच समझ के लगाया है। तो आप अगर 1-2 लाख रुपए लगा रहे हैं तो आपके लिए कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, आप सीधा आँख बंद करके इसको खरीद लो। जिस दिन आपको सेल सिग्नल मिल जाए आपका सुपर ट्रेंड का, वीकली का, आप उस दिन अपना स्टॉक बेच देना और अपना लॉस प्रॉफिट बुक कर लेना। दूसरा जो स्टॉक की बात करूँगा वो मैं बात करूँगा आपसे रेन इंडस्ट्रीज, जो कि डॉली खन्ना का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। 250 करोड़ रुपये उन्होंने लगाया था, 40 से 50 रुपये के रेंज में उन्होंने खरीद रखा था और पिछले साल की इन्वेस्टिंग है। तो देख सकते हैं आप कि ये वीकली सुपर ट्रेंड 44 रुपये पे कटा था और आज का जो प्राइस है वो 447 है। उन्होंने खरीदा था अक्टूबर में, तो अगर आप उनको फॉलो करते तो आप अक्टूबर में इस स्टॉक को खरीद सकते थे और उसके बाद ये गेन है, रेन इंडस्ट्रीज है। फिर मैं बात करूँगा APL अपोलो, जो कि एक पाइप बनाने वाली कंपनी है, जो कि आशीष कचोलिया जी एक इन्वेस्टर हैं, उनकी पोर्टफोलियो में है। उन्होंने इसको 2015 में ख़रीदा था, 2015 में उन्होंने ख़रीदा था इसको करीब करीब 400 रुपये के रेट में और उसके बाद उन्होंने अपने ऊपर रखा है। अब यहाँ आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे एक सुपर ट्रेंड कटा हुआ है, तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जब वो दोबारा काट दे तो आप दोबारा बाय कर लीजिए, क्योंकि आपने अल्टीमेटली यहाँ ख़रीदा और यहाँ पे आप बेच रहे हैं। तो ऐसे करके तो इस तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा गेन ले सकते हैं बिना टेंशन की, क्योंकि सारी टेंशन जो आपकी थी उन्होंने काम किया हुआ है, उन्होंने काम किया तभी उन्होंने इतना बड़ा पैसा लगाया है इसमें। APL अपोलो में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो का 10% पैसा इसमें लगा हुआ है, यानी उनका करीब 1000 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो है, तो उसमें उन्होंने 98-99 करोड़ रुपीज़ लगा रखे हैं। और मैं आपको विजय केडिया की बात करूँ तो विजय केडिया का एक फेमस स्टॉक है रेप्रो इंडिया, जिसमें उनकी 8% की होल्डिंग है। तो उन्होंने इसको 8 साल के लिए लिया है, करीब 8-9 साल होल्डिंग पीरियड रखेंगे और उस बेसिस पे लिया हुआ है इन्होंने। तो आप देख सकते हैं इसमें उन्होंने जो लिया था वो 2014 में लिया था, तो एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, एग्जैक्ट रेट भी नहीं मुझे आइडिया है, लेकिन उन्होंने करीब 2014 में लिया था, फिर होल्डिंग और भी बढ़ाई है इसमें। तो आप देख सकते हैं, आप अगर मैं कहता हूँ अगर आप 2015 में भी इसमें 2015 में भी इन्वेस्ट करते 300 रुपये का, तो आज का जो रेट है वो करीब करीब 766 रुपीज़ का है। कंपनी जो है वो डिजिटल पब्लिकेशन में काम करती है, तो इस तरीके से उन्होंने इसको प्रिडिक्ट किया है और इसमें इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी में बेसिकली यही है कि आपका जो पहला स्टेप आता है वो ये आता है कि आप एक बड़े इन्वेस्टर को सर्च करें, उसको देखें, उसको समझें कि उसने कैसे अपने पैसे को रिटर्न किया। जैसे कि विजय केडिया की मैं बात करूं, उन्होंने 35,000 रुपये से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी और अभी उनकी जो पोर्टफोलियो वो 500 करोड़ से भी ऊपर का है। ऐसे में डॉली खन्ना है, उनका भी करीब करीब 800 करोड़ का है, आशीष कचोलिया का भी करीब करीब 900 करोड़ का है, निमेश शाह का भी करीब करीब 1500 करोड़ तक पहुँच गया है, राकेश झुंझुनवाला जी का 9,000 करोड़ है। उनका टाइटन की मैं बात करूँ तो टाइटन भी आप देख सकते हैं कि ये टाइटन है, आप देख सकते हैं इसमें कि लेटेस्ट जो है वो 2017 में कटा था, 380 रुपये का स्टॉक 900 पे ट्रेड कर रहा है। तो आप हमेशा ऐसे स्टॉकों में वीकली सुपर ट्रेंड को फॉलो जरूर करिए और अपसाइड पे ज़रूर करिए, क्योंकि उन्होंने 5,000 करोड़ रुपया टाइटन में लगा हुआ है उनका, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के उन्होंने लगाया हुआ है। तो आप अपना 2-3 लाख रुपए तो लगा ही सकते हैं इजीली आराम से, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। क्यों इधर उधर दुनिया भर के स्टॉकों को ढूंढ के सरदर्दी लेके, या किसी ने कह दिया और इसने बोल दिया कि ये खरीद ले उसके बेसिस पे लगा रहे हो? आपको सिंपल तरीका है कि किसी बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो कुछ ना कुछ उसके फंडामेंटल देखें समझें, तभी ही उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों इस स्टडी में बेसिकली इतना है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और आप
को इन्वेस्टिंग का एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे इन्वेस्ट करें मार्केट में, और ये सबसे इजी तरीका है जो मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। गूगल पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आप इजीली ढूंढ सकते हो बड़े बड़े लोगों के पोर्टफोलियो किसमें उनकी कितनी कितनी होल्डिंग है। अगर आपको नहीं मिलता है तो ये वेबसाइट है ट्रेंड लाइन करके, यहाँ पे आप सुपर स्टार्स में जाइए और यहाँ पे आपको सारे इन्वेस्टर के बड़े बड़े पोर्टफोलियो मिल जाएंगे मंथली होल्डिंग के हिसाब से, कि किस क्वार्टर में उनकी कितनी होल्डिंग थी, कितने महीने किसकी होल्डिंग रही है, तो आपको इजीली मिल जाएगी। आप यहाँ पे ढूंढिए, समझिए और फिर इन्वेस्टमेंट करिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए, ताकि आप जैसे इन्वेस्टर्स के जो दोस्त हैं उनको भी काफ़ी अच्छी हेल्प मिलते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही है। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।